माता दी मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज आपको बताने जा रही हूँ कैसा रहेगा तुला राशि का मई का महीना। यदि आपकी तुला राशि है, तुला लग्न है या आपके नाम से तुला राशि बनती है तो आज के वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र और अपने धर्म से संबंधित सभी वीडियोस देखने को मिलें और आप उनसे लाभ उठा सकें। तुला राशि का कैसा रहेगा मई का महीना, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा मई का महीना, क्या इस महीने शिक्षा अच्छी रहेगी या नहीं क्योंकि इस महीने बोर्ड्स एग्जाम भी हैं, लव रिलेशनशिप अच्छी चलेगी, कोई परेशानी तो नहीं है लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कोई समस्या तो नहीं है, नौकरी और व्यापार कैसा रहेगा इस महीने में, धन की और आर्थिक स्थिति इस महीने अच्छी है या नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ क्या इस महीने मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और वो महत्वपूर्ण उपाय जो इस महीने जरूर करने चाहिए, ये सभी प्रश्न आपके मन में जरूर आते होंगे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। कभी हमारा दिन कोई बहुत अच्छा जाता है, कोई महीना हमारा बहुत अच्छा जाता है तो कोई दिन बहुत खराब जाता है, कोई महीना बहुत बुरा चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा गोचर स्थिति के अनुसार होता है। जो ग्रह इस समय गोचर कर रहे हैं उनका हमारे ऊपर जिस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उस अनुसार हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तुला राशि की गोचर स्थिति किस प्रकार से है। तो तुला राशि के लग्न में केतु गोचर कर रहे हैं, मंगल और शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु और शुक्र छठे घर में गोचर कर रहे हैं, राहु और सूर्य सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, चंद्र और बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो गोचर स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा तुला राशि का मई का महीना, आइए सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो यहाँ पर लग्न में केतु गोचर कर रहे हैं, लग्नेश छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये स्थिति के अनुसार आपका स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा सा खराब रहेगा, आपको सर दर्द की शिकायत रह सकती है, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि केतु आपके लग्न में बैठे हैं और लग्नेश आपके छठे घर में है, छठा घर जन्म पत्री का अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ आपने स्वास्थ्य का अपना विशेष तौर पर इस महीने ध्यान जरूर रखना है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको आ सकती हैं, सर से संबंधित शिकायत रह सकती हैं, आंखों से संबंधित शिकायत हो सकती है, पेट की समस्या रह सकती है, आपको घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है। कैसी रहेगी शिक्षा मई के महीने में, तो शिक्षा के लिए हम पंचम भाव देखेंगे, पंचम भाव के स्वामी पंचम में ही गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, आप अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे और जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। जो लोग उच्च शिक्षा लेने की सोच रहे हैं, CA, CS, UPSC के एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, IAS, IPS करने की सोच रहे हैं तो मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन बच्चों के बोर्ड्स एग्जाम इस महीने हैं तो आपका पूरा फोकस रहेगा पढ़ाई पे, पूरी कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपका ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मई का महीना तुला राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी मई के महीने में, तो पंचम भाव से ही हम लव रिलेशनशिप को देखते हैं, पंचम के स्वामी पंचम में ही गोचर कर रहे हैं तो लव रिलेशनशिप भी आपकी इस महीने में अच्छी रहेगी, परंतु आपके पार्टनर में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा जिससे वो आपके अंदर कमियां निकालेंगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर नोकझोंक हो सकती है, परंतु जहां पर प्यार होता है वहां तकरार भी होती है और जहां तकरार होती है वहां प्यार भी होता है, तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चले मई का महीना आप लोगों के लिए अच्छा है। ये महीना लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा जाएगा, थोड़ा सा आपको शांत रहने की आवश्यकता है। कैसी रहेगी मैरिड लाइफ मई के महीने में, तो सप्तम भाव से हम मैरिड लाइफ को देखेंगे और यहाँ पर सूर्य और राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी मैरिड लाइफ में समस्या आएंगी। ये महीना मैरिड लाइफ के अनुसार अच्छा नहीं है क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और राहु का काम होता है जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित परेशानियां देनी शुरू कर देते हैं, तो आप दोनों के बीच में नोकझोंक होगी, छोटी छोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को देखकर आप लोगों के मन में नेगेटिव विचार आएंगे, एक दूसरे की बातों को आप नहीं समझेंगे। ये महीना आपके लिए मैरिड लाइफ के हिसाब से अच्छा नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं जिससे आपकी मैरिड लाइफ में समस्या ना आए। वीडियो के अंत में आपको उपाय बताऊँगी, वो उपाय आप ज़रूर करिएगा। नौकरी और व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा मई का महीना तुला राशि के लिए,
तो यहाँ आपके भाग्य के स्वामी अष्टम में चले गए हैं। जन्म पत्रिका 6, 8, 12 भाव अच्छा नहीं होता। जब भी कोई प्लैनेट किसी भाव का ग्रह इन 6, 8, 12 भाव में चले जाते हैं तो उस भाव से संबंधित जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपके भाग्य के स्वामी अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा। नौकरी में स्ट्रगल होगा, व्यापार में स्ट्रगल होगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कार्य के लिए ज़्यादा मेहनत करके ही आपको फल मिलेगा। नौकरी आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अपने आसपास के दायरे पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपके पीठ पीछे आपके लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको अपने व्यापार पर ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपके हाथ में लाभ लगेगा। जो लोग नौकरी के लिए बहुत समय से सर्च कर रहे थे, मई के महीने में यदि आप नौकरी चाह रहे हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना होगा क्योंकि ये महीना आपको स्ट्रगल कराएगा। स्ट्रगल करने के बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। यदि आप कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं मई के महीने में तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना अच्छा नहीं है। इस महीने आप किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि आपको हानि होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपका भाग्य ही आपका साथ नहीं दे रहा है तो इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उसमें नुकसान होने की संभावना है। धन की और आर्थिक स्थिति इस महीने आपकी किस प्रकार से रहेगी? तो धन की और आर्थिक स्थिति इस महीने आपकी ठीक रहेगी क्योंकि मेहनत ज़्यादा होगी, फल आपको ज़रूर मिलेगा। ज़्यादा स्ट्रगल करके आपको कोई भी कार्य आपका ज़्यादा स्ट्रगल करके ही होगा, उसके बाद ही आपके हाथ में धन आएगा। जो लोग विवाह की सोच रहे थे इस समय कि मई के महीने में रिश्ता हो जाता तो अच्छा है, थोड़ा सा ये महीना आप इग्नोर करें क्योंकि ये महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं तो नोकझोंक परेशानियां आ सकती हैं। इस महीने को निकलने दीजिए, जून में आपके विवाह का योग ज़रूर बनेगा। अब ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मैरिड लाइफ आपकी इस महीने अच्छी नहीं रहेगी, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो इस महीने आपको माँ लक्ष्मी के आगे देसी घी का दिया जलाकर माँ को आपने इत्र अर्पित करना है। उसके बाद कनक धारा और सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ करना है और माँ से अपने मंगल जीवन की कामना करनी है। आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है वो सब दूर हो, इसकी कामना करें। उसके बाद जो इत्र आप माँ को अर्पित करेंगे वो स्वयं इस्तेमाल कर लें। डेली गाय को एक रोटी पर गुड़, हल्दी, चीनी और देसी घी रख के आपने खिलानी है। ये उपाय करने से आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होंगी और आपका जीवन सदैव के लिए खुशहाल बनेगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि तुला राशि का कैसा रहेगा मई का महीना। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फाइनेंशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत ही यूजफुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।